पाकिस्तान के सिंध में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो भी हैरान करने वाला है। दरअसल सिंध के एक हिंदू परिवार की नाबालिग लड़की का उसके घर से अपहरण किया जाता है, फिर उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, फिर उसी लड़की की एक मुस्लिम शख्स से जबरन शादी करवा दी जाती है। ये पूरा मामला क्या है, इस मुद्दे पर पाकिस्तानी अदालत ने क्या फरमान सुनाया है, देखिए इस रिपोर्ट। हिंदुओं का नरक यानी पाकिस्तान, मासूमों की बोली लगाने वाला पाकिस्तान, हिंदू बच्चियों पर पाकिस्तान में जुल्म की इंतहा, नाबालिग लड़की की दर्दनाक कहानी, पाकिस्तान जहां पर हिंदुओं का होना गुनाह है, पाकिस्तान जहां पर हिंदुओं को बार बार बनाया जाता है निशाना, पाकिस्तान जहां पर हिंदू बच्चों की लगाई जाती है बोली। कश्मीर के नाम पर हिंदुस्तान को नसीहत देने वाला पाकिस्तान इस मुद्दे पर खामोश हो जाता है और ऐसे हालातों को भी सिरे से खारिज कर देता है। लेकिन यही पाकिस्तान की काली हकीकत है कि वहां हिंदुओं को हिंदू होने की सजा मिलती है। चलिए अब आपको उस दर्दनाक दास्तां से रूबरू कराते हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुई है। आरोप है कि एक 14 साल की लड़की का उसके घर से बंदूक की नोक पर अपहरण किया जाता है। उसके बाद पहले तो मासूम का धर्मांतरण कराया जाता है, फिर एक मुस्लिम शख्स से उसकी जबरन शादी करा दी जाती है। इतना ही नहीं, जब लड़की का परिवार कोर्ट की शरण लेता है तो अदालत पीड़ित परिवार की दलीलों को खारिज करते हुए लड़की को उसके माता पिता के साथ भेजने से इनकार कर देता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लड़की कैसे बिलख रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस मासूम के आंसुओं की कोई सुनवाई तक नहीं हो रही है। दरअसल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बेनजीराबाद जिले में बंदूक के दम पर सोहना शर्मा कुमारी को उसके घर से अगवा किया जाता है। लड़की के पिता दिलीप कुमार ने थाने में अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में सामने आए वीडियो में सोहना ने स्पष्ट रूप से कहा कि दबाव में आकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और एक मुसलमान से शादी की है। इस घटना के 5 दिन बाद पुलिस ने बेनजीराबाद में एक घर से सोहना को बरामद किया, फिर उसे लरकाना में एक जिला अदालत में पेश किया गया। सोहना ने खुद अपने साथ हुए जुल्म की पूरी कहानी अदालत को सुनाई, लेकिन जज ने ये कहते हुए सुनवाई रोक दी कि बयान देते समय सोहना दबाव में थी। ये तो एक कहानी है, लेकिन पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में जो बचे खुचे हिंदू परिवार हैं, उनमें से ज्यादातर परिवारों के साथ ऐसा ही सलूक हो रहा है। खासतौर से गरीब परिवारों की बच्चियों को ऐसे ही निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब तक पाकिस्तान और वहां की सरकारें इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करती आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।